अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे नई नई जानकारियों से। ये रेड कलर का बटन है जो सब्सक्राइब बटन, इस पर क्लिक करें और जो ये घंटे का निशान है नोटिफिकेशन बेल, इस पर क्लिक करें जिससे हम अपना कोई भी नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो गाइज, हमारे चैनल हिंदी 24 में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कंप्यूटर के क्वेश्चन, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पीछे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं जो कि आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। क्वेश्चन शुरू करें इससे पहले, यदि अभी तक कहाँ आपने हमारे चैनल हिंदी 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें नई नई जानकारियों से। पूरा वीडियो अच्छे से देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना न भूलें। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर का अर्थ है, इसका आंसर है प्रोग्राम। नेक्स्ट है, दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की है, इसका आंसर है Ctrl+P, अर्थात Ctrl+Print। नेक्स्ट है, बाइनरी लैंग्वेज में अल्फाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर बना होता है, इसका आंसर है 8 बिट के योग से। नेक्स्ट है, वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं कहलाती हैं, इसका आंसर है आइकॉन्स। नेक्स्ट है, अपनी लागत और आकार के कारण ये लैग कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल या अर्थात रेयर हैं, इसका आंसर है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं, इसका आंसर है इंस्टॉलेशन। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों की कॉपी करते हैं उस प्रक्रिया को इंस्टॉलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, इसका आंसर है रैम। नेक्स्ट है, डीवीडी उदाहरण है, इसका आंसर है ऑप्टिकल डिस्क का। नेक्स्ट का CDRW का पूरा नाम है, इसका आंसर है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। इसका आंसर है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, मतलब CDRW। नेक्स्ट है, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है, इसका आंसर है डाटाबेस। डाटाबेस सूचनाओं को एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक लाता है और वापस ले जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है, इसका आंसर है UPS। नेक्स्ट है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, इसका आंसर है सिस्टम बस। नेक्स्ट, प्रथम गणना यंत्र है, इसका आंसर है अबेक्स। नेक्स्ट है, विंडोज में डम से क्या शब्द बनता है, इसका आंसर है मिलेनियम। नेक्स्ट है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है मॉडेम। मॉडेम है जो फोन लाइन में काम आता है। नेक्स्ट है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं, इसका आंसर है वार्म बूटिंग। नेक्स्ट है, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, इसका आंसर टेक्स्ट एडिटर की। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है CPU में। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग CPU में होती है और CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट, वेबसाइट कलेक्शन है, वेब पेजेस का, वेबसाइट कलेक्शन है, ये वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। नेक्स्ट, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती, इसका आंसर है मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है, इसका आंसर है पॉइंट एक्सेल्स। नेक्स्ट, फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, इसका आंसर है फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल एक्सटेंशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, इसका आंसर है वर्कशीट का।
नेक्स्ट, ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? इसका आंसर है प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर। नेक्स्ट, कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? इसका आंसर है डिजाइन से। नेक्स्ट, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? इसका आंसर है सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने वाले योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को कहा जाता है। इसका आंसर है सोर्स कोड। नेक्स्ट, सी बेसिक कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण हैं उसे कहते हैं। इसका आंसर है हाई लेवल। सी बेसिक कोबोल जावा ये सारी लैंग्वेज हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेजेज हैं। नेक्स्ट है ASCII, ASCII का पूर्ण रूप होता है। इसका आंसर है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। इसका आंसर है चार्ल्स बैबेज को। चार्ल्स बैबेज कंप्यूटर की प्रथम आविष्कारक हैं और इसलिए इन्हें कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई 1946 में। नेक्स्ट, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है CPU। नेक्स्ट, वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है वो होता है रिजर्व्ड वर्ड्स। नेक्स्ट, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा फोर्ट्रान होती है। नेक्स्ट है वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है वो होते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है फोर्ट्रान। नेक्स्ट, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है फ्लो चार्ट। नेक्स्ट, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? इसका आंसर है विज्ञान। कंप्यूटर की लैंग्वेज फोर्ट्रान है, ये विज्ञान विषय में बहुत ही उपयोगी लैंग्वेज है और फोर्ट्रान है ये कंप्यूटर की पहली भाषा है। नेक्स्ट, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? इसका आंसर है व्यावसायिक कार्य। कोबोल है ये व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है न्यूमेरिक कोड। मशीन लैंग्वेज न्यूमेरिक कोड्स का ही प्रयोग करती है। नेक्स्ट, मल्टीमीडिया वेब पेज वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज होती है जावा लैंग्वेज और जावा एक हाई स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। नेक्स्ट है इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जावा। नेक्स्ट, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है। इसका आंसर है वेब सर्वर्स में। नेक्स्ट, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? इसका आंसर है डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? इसका आंसर है निम्न स्तरीय भाषा। नेक्स्ट, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? इसका आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, कंप्यूटर में काम करने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है शेल। नेक्स्ट, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? इसका आंसर है पॉइंटिंग डिवाइस का। नेक्स्ट, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है
करता रहता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है। नेक्स्ट, कमांडो की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? मेनू कहते हैं, मेनू। नेक्स्ट है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? इसका आंसर है रिसाइकिल बिन। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें है वो रिसाइकिल बिन में भेजी जाती हैं। नेक्स्ट है, एडीपी क्या है? इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। एडीपी का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो ये था हमारा प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कंप्यूटर विज्ञान के क्वेश्चन, जो कि बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है और पीछे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें आप कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करें। हमारे चैनल हिंदी 24 को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। हेलो गाइज, हमारे चैनल हिंदी 24 में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कंप्यूटर विज्ञान के क्वेश्चन, जो कि बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, पीछे की परीक्षाओं में आए हुए हैं, आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। क्वेश्चन शुरू करें इससे पहले, यदि अभी तक हम आपने हमारे चैनल हिंदी 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें नई नई जानकारियों से। वीडियो को पूरा देखें, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है ये। और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट देना न भूलें। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। इसका आंसर है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। इसका आंसर है माइक्रोचिप, जो कि सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एएलयू परिचालन संपन्न करता है। इसका आंसर है अर्थमेटिक। नेक्स्ट, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है कहलाता है प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रे क्या है? CRAY क्रे क्या है? इसका आंसर है सुपर कंप्यूटर। क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीप्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? इसका आंसर है तृतीय पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन की में टेलीप्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपकरण जो हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? इसका आंसर है PDA। नेक्स्ट, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर है दो प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है? इसका आंसर है माउस को। नेक्स्ट, ट्रैक बॉल उदाहरण है? इसका आंसर है पॉइंटिंग डिवाइस का। नेक्स्ट, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? इसका आंसर है प्रिंटेड आउटपुट। नेक्स्ट, विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है। यह तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है। इसका आंसर है मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर संसाधनों की प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को कहा जाता है। इसका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है? इसका आंसर है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती हो उसे कहते हैं? इसका आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब WWW। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इसका आंसर है डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी डिवाइस जो केवल केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क जोड़ती है इसे कहा जाता है वायरलेस।
नेक्स्ट मेन्यू भाग होते हैं, इसका आंसर है स्टेटस बार का। नेक्स्ट वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को कहते हैं, इसका आंसर है ब्राउजर। नेक्स्ट एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कितने डॉक्यूमेंट्स को आप खुला रख सकते हैं, इसका आंसर है इतने अधिक जितने की आपकी कंप्यूटर की मेमोरी होल्ड कर सकती है, उतने एक साथ हम डॉक्यूमेंट्स खुले रख सकते हैं। नेक्स्ट जीयूआई का पूर्ण रूप है, इसका आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, इसका आंसर है हाइपरलिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन सीपीयू में होता है, इसका आंसर है एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है सीपीयू में, और सीपीयू को कंप्यूटर का माइंड यानी मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी, इसका आंसर है ऑपरेटिंग प्रणाली। नेक्स्ट रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है, इसका आंसर है रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी वह उसमें रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्य शेयर किया जाता है, इसका आंसर है प्रिंटर्स। नेक्स्ट पेज पर कितने मार्जिन होते हैं, इसका आंसर है 4, पेज पर 4 मार्जिन होते हैं। नेक्स्ट एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है, इसका आंसर है एम्बेडेड कंप्यूटर। नेक्स्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसेज के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है, इसका आंसर है नेटवर्क। नेक्स्ट डंब टर्मिनल क्या है, इसका आंसर है सेंट्रल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेट का अर्थ है नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क। नेक्स्ट बैकअप क्या है, सिस्टम इंफॉर्मेशन को ठीक वैसी ही प्रतिलिपि। हेलो गाइज, हमारे चैनल हिंदी 24 में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कंप्यूटर के क्वेश्चन, जो कि प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आजकल प्रत्येक परीक्षा का महत्वपूर्ण भाग कंप्यूटर हो गया, आजकल की जनरेशन में भी कंप्यूटर की बहुत आवश्यकता हो रही है। और इसी के मद्देनजर रखते हुए हम आपके लिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन शुरू करें इससे पहले, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल हिंदी 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे नई नई जानकारियों से, और वीडियो को पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना न भूलें। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका है, इसका आंसर है फाइंड टाइप कमांड का उपयोग करना। किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए हम किस कमांड का यूज करेंगे, फाइंड कमांड का। फाइंड कमांड का उपयोग करके हम कोई भी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को किसी भी डॉक्यूमेंट में आसानी से और सरल तरीके से ढूंढ सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को कहते हैं, इसका आंसर है डाउनलोडिंग। इंटरनेट पर सर्वर से हम कंप्यूटर में कोई भी सूचना को लेते हैं मतलब, तो वो उस प्रक्रिया को हम डाउनलोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोशर पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है, इस क्वेश्चन का आंसर है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। ब्रोशर पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैट क्या है, टाइप की गई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है उसे क्या कहते हैं, चैट कहते हैं। आजकल जो कि बहुत ही प्रचलन में है, व्हाट्सएप पर फेसबुक पर जो टाइप करके जो बातचीत की जाती है
वो क्या कहलाती है, चैट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरिथमेटिक लॉजिंग ऑपरेशन। इसका आंसर है कि मैं जमा घटाना और गुणा भाग में शामिल है कि अर्थमेटिक से संबंधित ऑपरेशन है इसमें, जोड़ करना घटाना गुणा भाग जो कि संख्या से संबंधित जो भी कैलकुलेशन होती है वो अर्थमेटिक के ऑपरेशन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड शो बनाने के लिए किस प्रकार एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है पावर पॉइंट। स्लाइड शो पावर पॉइंट में ही बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंक ईमेल का अन्य नाम है। इस क्वेश्चन का आंसर है स्पैम। नेक्स्ट, ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है। इसका आंसर है इंटरनेट पर बिजनेस करना ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है। इसका आंसर है एडिटिंग। किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह का बदलाव हम एडिट करके एडिटिंग के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है। इसका आंसर है रिकॉर्ड। कि जो भी किसी भी चीज़ से संबंधित एक दूसरी एक से अधिक जो कि फाइल है उससे उसमें रिकॉर्ड है वो उपलब्ध होते हैं। तो एक तरह की जो सूचना को संबंधित करके इकट्ठी करके जैसे सेलेक्ट किया जाता है वो फाइल में किया जाता है, और बहुत सारी फाइलों का जो संग्रह होता है वो एक रिकॉर्ड बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी स्थिति में हिलाए नहीं जा सकने वाले मॉडेम क्या कहलाता है। इसका आंसर है फिक्स्ड मॉडेम। कि जिस मॉडेम को किसी भी तरह हिलाया नहीं जा सके, मतलब उसकी स्थिति जैसी है वैसी ही बनी रहे, तो उस मॉडेम को फिक्स मॉडेम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी करेक्टर्स को क्या कहते हैं। इसका आंसर है करेक्टर सेट। नेक्स्ट, ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए। इसका आंसर है एड्रेस बुक। कि ईमेल एड्रेस को अगर हम याद नहीं रख पाते हैं तो हमें एड्रेस बुक का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है। इसका आंसर है फोन लाइन। मॉडेम का कनेक्शन फोन लाइन के साथ किया जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर से जुड़े KB का क्या अर्थ है। इसका आंसर है किलोबाइट। कंप्यूटर से जुड़े KB को किलोबाइट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है। इसका आंसर है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना डाटा प्रोसेसिंग होता है। नेक्स्ट, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं। इसका आंसर है आउटपुट। नेक्स्ट, CPU के ALU में होते हैं। इसका आंसर है रजिस्टर। नेक्स्ट, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग होते हैं। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ये तीनों ही प्रोसेसर के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है। इसका आंसर है माइक्रोचिप। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। इसका आंसर है चतुर्थ। नेक्स्ट, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। इसका आंसर है चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। इसका आंसर है आयरन ऑक्साइड। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं। इसका आंसर है स्लॉट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाली थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं। इसका आंसर है सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट, वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसे कहा जाता है। इसका आंसर है मदरबोर्ड। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों में कौन सा पोर्ट जोड़ता है। इसका आंसर है MIDI, MIDI। नेक्स्ट है पास्कल है कंप्यूटर की एक भाषा। नेक्स्ट है
प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? इसका आंसर है फोरट्रान। फोरट्रान लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कि प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम लैंग्वेज है। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड चिप सर्किट चिप का विकास किसने किया? इसका आंसर है जे एस किल्बी ने। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी पर्थ होती है? इसका आंसर है सिलिकॉन की। नेक्स्ट, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की पर्थ होती है? इसका आंसर है आयरन ऑक्साइड की। नेक्स्ट, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? इसका आंसर है बिट। कंप्यूटर की शब्द की लंबाई बिट में मापते हैं और यह कंप्यूटर की सबसे छोटी गणना करने वाली यूनिट होती है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट। नेक्स्ट है, एमएस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? इसका आंसर है जीयूआई, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट, कौन सी डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है? इसका आंसर है गेटवे। नेक्स्ट, कंप्यूटर विशिष्टता किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं? इसका आंसर है नंबर्स। नेक्स्ट, निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है? इसका आंसर है रोम, मतलब रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, एक बाइट का कलेक्शन होता है 8 बिट्स का। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं और बिट जो होती है वो कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट होती है। नेक्स्ट, सीडी रोम किसका उदाहरण है? इसका आंसर है इनपुट डिवाइस का। नेक्स्ट है, कंपाइलर है स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक। नेक्स्ट है, वोलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? इसका आंसर है रैम। रैम नेक्स्ट है, जावा उदाहरण है उच्च स्तरीय भाषा लैंग्वेज, मतलब जावा उच्च स्तरीय लैंग्वेज का उदाहरण है। नेक्स्ट है, वह हार्डवेयर डिवाइस जिस पर आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है वह है सीपीयू। सीपीयू को आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे कहा जाता है प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है, वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है वह है बारकोड रीडर। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर प्रोग्राम अनुदेशों का ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने अथवा निष्पादन के कार्य में कंप्यूटर को समर्थता है। वे टर्मिनल जिन्हें पहले कैश रजिस्टर्स कहते हैं प्राय कॉम्प्लेक्स इन्वेस्ट्री तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं वो होते हैं इंट ऑफ सेल। नेक्स्ट है, वायरस ट्राजन हॉर्सेस तथा वर्म्स कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं इनपुट की। नेक्स्ट है, वे कंपोनेंट जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे स्थित होते हैं प्रणाली यूनिट में। सॉफ्टवेयर का अर्थ है प्रोग्राम। तो ये था हमारा कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा वो हमें आप कमेंट के रूप में बताएं और आप हमें इस ये भी बताएं कि आप किस तरह के वीडियो हमसे चाहते हैं तो हम अपने अगले वीडियो में उस तरह के वीडियो आप तक पहुंचा सकें और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करें तो हमारे चैनल हिंदी 24 को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।